दिल्ली हो या महाराष्ट्र प्रदूषण से प्रभावित दिख रहा है और सरकारें जो है प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जाए, तमाम तरह के नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार आज मंत्रालय में आप देखिए कि तमाम स्कूली छात्रों को प्रदूषण मुक्त दिवाली संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है और तमाम बच्चों को यहां पर जो है दिलाया जा रहा है शपथ कि वो किस तरह से दीपावली के दौरान जो है वो ऐसे पटाखे बजाएं या इस तरह से दिवाली मनाएं जिससे जो है कि दिवाली जो है वो प्रदूषण मुक्त हो। यहाँ देखिए कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये शपथ ले रहे हैं, यहाँ पर उन्हें शपथ दिलाई जा रही है कि वो किस तरह से, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो देश के कर्णधार हैं और यही जो साजरी करण्याचा आम्ही संकल्प करीत आहोत। आम्ही असा ही संकल्प करतो की समृद्ध पर्यावरणाच्या रक्षणाकरिता आमच्या वाढदिवसाला किमान एक झाड लावू व त्याचे नित्य नियमाने संगोपन करू। असा ही संकल्प करतो की दैनंदिन जीवनात ज्या सिंगल यूज प्लास्टिक मुळे प्रदूषण होते त्याचा वापर आम्ही टाळू। आम्ही भारताचे भविष्यातील समर्थ नागरिक म्हणून सर्व विद्यार्थी शपथ घेतो की जीवन कौशल्य लाइफ स्किल विशेष अंग है और भी लोग हैं, और भी कौन बात करने का आप बताइए कि जो यहाँ पटाखे नहीं जलाना चाहिए, इससे प्रदूषण फैलता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए। हमें उसके मतलब प्रेम बांटना चाहिए, ना कि पटाखे बांट के प्रदूषण नहीं फैलाना है। तो ये बच्चे हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बच्चे हमारे जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, यही लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे कि प्रदूषण मुक्त दिवाली कैसे मनाई जाए ताकि जो है प्रदूषण से बचा जाए। जो इस वक्त प्रदूषण जो है लोगों में जो है दिक्कत पैदा कर रहा है, महाराष्ट्र सरकार हो या फिर अदालत हो, उस तरह के नियम बना रही है ताकि जो है प्रदूषण मुक्त जो है समाज हो और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। तो इस तरह की जो है आज ये पहल शुरू की गई है मुंबई में मंत्रालय के अंदर, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यहां पर शामिल हुए और यहां पर और भी बच्चे हमसे बातचीत कर रहे हैं। आगे इस दिवाली पे आप क्या करोगे अगर मैं आपकी बात करूँ? हाँ, पटाखे हम फोड़ेंगे लेकिन ना प्रदूषण जो आवाज़ करने वाले पटाखे नहीं फोड़ेंगे और जो आवाज़ नहीं करते प्रदूषण मतलब ज़्यादा प्रदूषण नहीं छोड़ते वो वाला पटाखे फोड़ेंगे जिससे हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम अच्छे से दिवाली भी मना सकें और ये पेड़ भी लगाना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहे। और प्रदूषण मुक्त दिवाली कैसे मनाई जाए इसकी अभियान की शुरुआत की गई है और महाराष्ट्र के मंत्रालय के अंदर जो है ये जो है अभियान की शुरुआत की गई है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है लोगों को ये संदेश दिया, बच्चों में जो है उत्साह पैदा किया और ये बच्चों में इस बार की दिवाली उनका कहना है कि हम पटाखे कम बजाएंगे, ऐसे पटाखे हम छुटाएंगे जिससे कि प्रदूषण
कैमरामैन उत्तम के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।